hello guys today we will discuss narcotic drugs and psychotropic substances act 1985 narcotic drugs psychotropic substances act 1985 this act A is related with all the drugs which are banned or use of them are banned from the government so we will see before passing of this 1985 act there were certain act like Opium Act 1857, Opium Act 1878 and the Dangerous Act 1930. But with the changing circumstances and development in the field illicit drug traffic and the drug abuse at national level, many drawbacks have come to notice in this act. Therefore, the government of India has replaced this old act and passed the NDPS Act nineteen eighty five in nineteen eighty five November 14. मतलब जो पहले बहुत सारे अलग अलग एक्ट थे लेकिन उसकी वजह से भी बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज कंट्रोल नहीं हो रही थी इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्ट्रिंजेंट एक्ट पास किया 14 नवंबर 1985 को इट आल्सो प्रोवाइड्स दी लाइसेंसिंग सिस्टम फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव क्या इस drugs, Means, है इस एक्ट का द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू कंसोलीटेट एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू ड्रग्स टू मेक स्ट्रिंजेंट प्रोविजन फॉर कंट्रोल एंड रेगुलेट द ऑपरेशन रिलेटिंग टू ड्रग एंड एंड सब्सटेंस मैटर कनेक्टेड देयर विथ मीन्स जितना भी मैटर है इससे रिलेटेड नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से वो सारा का सारा कैसे कंट्रोल हो और कैसे सेफली वो पूरे देश में चल सके ये मेन ऑब्जेक्टिव था इसका इसमें कुछ डेफिनेशन है एडिक्ट मतलब आदि हो जाते हैं लोग कुछ चीजों के उसको एडिक्ट कहते हैं पर्सन हैबिचुअल टू रेगुलर यूज ऑफ एनी ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्स एक प्लांट है उसके कुछ पार्ट्स हैं चरस जो है तो ये पार्ट से, ये सेपरेटेड रेजिन होता है उस पार्ट का और गांजा जो है तो ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप होता है कैनबिस प्लांट का तो ये प्लांट का कल्टीवेशन इसको इसकी खेती करना इट्स टोटली इलीगल गवर्नमेंट जिसको अलाउ करेगा जितने कंडीशंस है उसकी वही बंदा उसको ये कर सकते हैं देन मेडिसिनल कैनोविस इट्स एन एक्सट्रैक्ट और टिंक्चर ऑफ कैनोज इसी तरह कोका डेरिवेटिव होती है कोका डेरिवेटिव में क्या क्या आता है केमिकली कोका डेरेवेटिव कोकेन मीन्स मिथाइल स्टर ऑफ बेंजाइल इक्गोनिन एंड इट्स सॉल्ट इसमें ओपियम होता है ओपियम पॉपी होता है और फिर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस है तो ये सारे के सारे जो सब्सटेंसेस और ड्रग्स हैं ऑल दीज आर वेरी डेंजरस सो टू कंट्रोल देयर यूज टू कंट्रोल देयर मैन्युफैक्चरिंग और देयर कल्टीवेशन दिस एक्ट हैज बीन पास्ड सो टू कंट्रोल ऑल दिस एक्टिविटीज रिलेटेड विद द दर्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस देयर इज वन ब्यूरो इन इंडिया व्हिच इज कॉल्ड अ नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो

सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मीजर फॉर प्रिवेंशन एंड कॉम्बेटिंग यूज ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड ट्रैफिक मतलब ये पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको पूरा कंट्रोल करना उसके लिए क्या है गवर्नमेंट क्या करेगी इट विल कोऑर्डिनेशन इट विल मेक अ कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन बाय वेरियस ऑफिसर्स स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर ऑथोरिटीज अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर इन्फोर्समेंट और प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट उसके बाद में ये कोऑर्डिनेशन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से भी दूसरे ऑफिसर से भी पुलिस डिपार्टमेंट हो गया और दूसरे डिपार्टमेंट्स हो गए और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ऑब्लिगेशंस अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशन अगर इंटरनेशनल लेवल का मैटर है तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू ही वो सेटलमेंट होगा उसका देन असिस्टेंस टू कंसर्न अथॉरिटीज फॉर प्रिवेंशन एंड सप्रेशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन एनडीपीएस अब इससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है अगर कोई इसका एडिक्ट हो गया तो उसका ट्रीटमेंट देन एजुकेशन उसके बारे में लोगों को बताना सोशल री इंट्रैक्शन ऑफ एडिक्ट ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी देन ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं सेंट्रल ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ये इस काम के लिए चुने जाते हैं दे अपॉइंट नार्कोटिक कमिश्नर एंड अदर ऑफिसर्स एज इट थिंक राइट right? तो एक कमिश्नर होता है नार्कोटिक कमिश्नर वो मेन होता है उसके अंडर में उसके कुछ सब ऑर्डिनेट्स हो गए देन फंक्शन क्या होता है उसका द सुपरविजन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ ओपियम पॉपी एंड प्रोडक्शन ऑफ ओपियम मतलब ये जो ड्रग्स है ये कमिश्नर के अंडर में और ये टीम के अंडर में ही इसका प्रोडक्शन होगा ये सारी एक्टिविटीज होगी उसमे एक चेयरमैन होते हैं कम से रिलेटेड देन प्रोहिबिशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन मतलब इसकी रोकथाम कैसे हो ये इन लीगल एक्टिविटीज की और उसको कंट्रोल कैसे किया जाए इसका प्रोडक्शन क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट परपज के लिए ही देश में बोलो या विदेश में ये कुछ क्वांटिटीज़ इसकी रिक्वायर्ड होती है तो हर कोई इसको कल्टीवेट नहीं कर सकता हर कोई इसकी खेती नहीं कर सकता तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है कैसे नो no पर्सन ये रूल है कि कोई भी बंदा इसके कल्टीवेशन नहीं कर सकता कोका प्लांट का या ओपीएम पॉपी का या कैनबिस प्लांट का या इसका प्रोडक्शन हो मैन्युफैक्चरिंग हो प्रोसेस हो सेल हो ट्रांसपोर्ट हो वेयर हाउस हो कंज्यूम यूज भी नहीं कर सकता इंडिया में बाहर भेज नहीं सकता बाहर से इंडिया में बुलवा भी नहीं सकता ये सारी एक्टिविटीज जो है तो इलीगल है दिट इज प्रोहिबिटेड देन पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू परमिट कंट्रोल एंड रेगुलेट अब ये तो आम आदमी के लिए सब इलीगल है लेकिन गवर्नमेंट कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मॉनिटरिंग में इसको कल्टीवेट कर सकती है तो द कल्टिवेशन एंड गैदरिंग ऑफ पोर्शन ऑफ द कोका प्लांट और द प्रोडक्शन सेल परचेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट टू आउट ऑफ इंडिया और इंटर स्टेट यूज और कंजम्पशन ऑफ कोका ल्यूज ये सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू होगा देन कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी ओनली ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगा राइट देन प्रोडक्शन ऑफ एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ओपियम एंड प्रोडक्शन ऑफ पॉपी स्ट्रांग राइट right? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ही से होगा उनके कंट्रोल ही में होगा ये सारा प्रोडक्शन उसका सेल भी राइट देन द इंपोर्ट टू इंडिया एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया राइट एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विद इन द स्टेट ऑल दीज एक्टिविटीज विल बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड और अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर आफ्टर परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट वन कैन डू ऑल दीज एक्टिविटीज देन सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन सर्टन ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स अब ये कंट्रोल क्या करेगी तो गवर्नमेंट शेल फिक्स द लिमिट ऑफ लाइसेंस फॉर कल्टीवेशन मतलब गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि कितने लोगों को लाइसेंस देना है इसके कल्टीवेशन का मतलब कितने लोगों को परमिशन देनी है कि ये, इतनी, इतनी, इसका ये ये बंदे इतना इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं दूसरा एरिया विल आल्सो बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट द प्रोडक्ट कल्टीवेटेड अब जो प्रोडक्शन होगा वहां से खेती होगी जो तो वो कोई भी बंदा जिसको परमिशन दी गई है कल्टिवेशन की वो उसको सेल नहीं कर सकता दे है कुछ भी प्राइस फिक्स करके जिसने कल्टिवेशन किया है उसको गवर्नमेंट उसका पेमेंट कर देगा देन द रूल में प्रिस्क्राइब दैट ओपीएम शेल बी वेड एक्सामाइन एंड क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी बाई दस ऑथोराइज ऑन दिस बिहा राइट right. मतलब ये कल्टीवेटर और गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने इसका पूरा टेस्टिंग होगा उसका वेट निकाला जाएगा वजन होगा उसके हिसाब से उसको कैटेगराइज किया जाएगा और उसी के हिसाब से उनको पेमेंट भी दिया जाएगा देन द फॉर्म एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफेक्चर ऑफ ड्रग्स एंड अथॉरिटीज बाय विच सच लाइसेंस में बी ग्रांटेड एंड फीस में भी चार्ज्ड दिस विल ऑल्सो भी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट द ओपीएम डिलीवर

मतलब ये सारे प्रोडक्ट जो इनलिस्ट किए हुए हैं ये एक्टिविटीज और प्रोडक्ट यानी पॉपी स्ट्रॉ हो गया कोका प्लांट लीव्स है प्रिपेयर्ड ओपीएम है ओपीएम पॉपी और ओपीएम है मैन्युफैक्चरिंग ड्रग और प्रिपरेशन है इससे रिलेटेड देन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है कैनाबिस प्लांट है ये सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट है इससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी अभी इससे प्रीवियस स्लाइड में बताई गई कि इसका यूज इसका कल्टीवेशन इसका इंपोर्ट इसका एक्सपोर्ट इसका सेल इसका परचेज सारा इलीगल अगर कोई भी इन सब चीजों से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करते हुए पकड़ा गया ही विल गेट दी पेनाल्टी देन पनिशमेंट फॉर इलीगल इंपोर्ट टू इन टू इंडिया एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया रिलेटेड विद एनडीपीएस देन पनिशमेंट फॉर द एक्सटर्नल डीलिंग इन एनडीपीएस इन कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अब वो सजाएं क्या क्या है सो दिस इज दी ऑफेंस मतलब ये गुना है और ये उसकी सजा क्या है कि कंट्रोवेंशन ऑफ प्रोविजन इन दूल देर अंडर इन रेस्पेक्ट ऑफ पॉपीज ये सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी ये हैं। तो उसकी सजा क्या है मोर एक्टिविटीज right? क्या है कि इससे रिलेटेड कुछ भी करो या इलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका या अलाउंग यूज ऑफ फिर वेहीकल फॉर कमीशन फॉर ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी आपकी जमीन यूज हो रही हो आपकी वेहीकल आप खुद यूज हो रहे हो या आप उसको, यूज़ कर रहे हो, उसको सेल कर रहे हो परचेज करो उसका कल्टिवेशन कर रहे हो ये कोई भी तरीके की एक्टिविटी में अगर आप पकड़े गए तो यू विल बी रिग्रेस इंप्रिजनमेंट कैदक्कत दस से बीस साल की सजा हो सकती है और एक से दो लाख रुपए का फाइन हो सकता है सेकेंड कॉन्ट्रावेंशन इन रेस्पेक्ट टू कैनबीज एंड कैनेबीज रिलेटेड गांजा उसमें गांजा एक्सक्लूड किया था इसमें इंक्लूड किया है दूसरा फेलवर टू कीप अकाउंट और सबमिट रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द लॉ और कीपिंग फॉल्स अकाउंट और फेलवर टू प्रोड्यूस लाइसेंस परमिट्स और विलफुल एंड डिलिबरेटेड इंटेलिजेंस ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ये सारी एक्टिविटी से रिलेटेड अगर कुछ भी पाया गया तो उसको कितनी सजा होगी रिगर इंप्रिजनमेंट अप टू फाइव और फाइन और बोथ राइट और एक दूसरा गुना है कि इलीगल पोजीशन फॉर पर्सनल कंजम्शन अगर कोई पर्सनल यूज के लिए कुछ ड्रग्स वगैरह लोग रखते हैं ना जैसे एक्टर्स होते हैं सिंगर्स होते हैं ये लोग देखो बहुत यूज करते हैं ये सारी चीजें तो अगर वो पकड़े गए तो उसकी सजा क्या होगी रिगर इंप्रिजनमेंट अप टू वन ईयर फाइन और बोथ अभी आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा कि जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं कॉमेडियंस हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं तो उनकी ये सज़ा हो सकती है अगर उसको पर्सनल यूज के लिए वो पकड़े गए तो और उसके अलावा ये सारी चीज़ों के लिए पकड़े गए रिकॉर्ड रिलेटेड या गांजा रिलेटेड तो फाइव ईयर्स और अगर उसका कल्टिवेशन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी एक्टिविटी है तो टेन टू ट्वेंटी ईयर और वन टू टू लैख फाइन कंक्लूजन अबाउट दिस एक्ट इज दिस एक्ट प्रोवाइड स्ट्रिंजेंट एकदम सख्त प्रोविजन है इसमें रिलेटिंग टू नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंसेज ड्यू टू दिस नो पर्सन कैन पजेस कंज्यूम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ दिस ड्रग इट अल्टीमेटली प्रोटेक्ट्स पब्लिक हेल्थ बाई प्रिवेंटिंग ड्रग एब्यूज मतलब ये सारी चीजें करने से क्या होगा कि पब्लिक हेल्थ सेफ रहेगा और लोग इसके एडिक्शन से बच जाएंगे राइट सो दिस इज ऑल अबाउट Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act. I hope you'd like the video. Thank you.